दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज। सब आज यहाँ पर अपर्णा अनु को जोरदार थप्पड़ लगाते नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिल रहा है कि अनु काफी ज्यादा ही इमली को परेशान करने की कोशिश कर रही है, एक भी मौका नहीं छोड़ रही है वो उसे परेशान करने का। अब भाई हरकतें तो उसकी ऐसी ही है कि उसे थप्पड़ पड़ना ही चाहिए। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आर्यन अनु को धमकाते नजर आएगा कि उसने इमली के साथ ये घटिया हरकत कैसे की, कि उसके कपड़ों को ही खराब नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उससे पूरे परिवार के सामने, पूरे मेहमानों के सामने उस इमली की बेइज्जती होते होते बची है। और आर्यन नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। जिसके पान ने यहाँ पर इमली भी सुन लेती है और इमली भी अनु को जगत तो चकाएगी, लेकिन उससे पहले अपर्णा सबके सामने अनु को जोरदार थप्पड़ मारते नजर आएगी और अपर्णा उसे ऐसा सबक सिखाएगी और कहेगी कि मैंने अब तक जो सब कुछ बर्दाश्त किया है, घर में डेकोरेशन हो या वो हो ये हो, सब हरकतें आपकी बर्दाश्त की है। यहाँ तक कि मालिनी आपको जेल से भी छुड़ा लाई, वो भी हमने बर्दाश्त किया। आपकी वजह से आपने नशे में वो सब कुछ मिलाया, वो सब की बर्दाश्त किया। अब लेकिन इमली के साथ आपने कुछ भी गलत करने की कोशिश की और ये घटिया हरकत तो आपकी बहुत ही ज़्यादा नीची सोच है। जिसके पास नहीं इमली को साथ में इतना कुछ होते देख अपर्णा चुप नहीं रहती, क्योंकि वो बहुत बार चुप रह जाती है, वो मेहंदी में चुप रह जाती है, वो हर जगह चुप रह जाती है इमली के लिए, और आर्यन उसके साथ हर वक्त खड़ा नजर आता है। लेकिन इस बार अपर्णा चुप नहीं रहेगी और अनु को जोरदार थप्पड़ मार देगी और सबके सामने उसे अच्छा खासा सबक सिखाएगी। तो उसे वार्न भी कर देगी कि नेक्स्ट टाइम अगर इमली के साथ उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उसका ऐसा हाल करेगी जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। और अनु की ऐसी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई है, इतनी भयंकर बेइज्जती अनु की होने वाली है। तो देखने को मिलने वाला है काफी कुछ धमाल शो में। अब देखते हैं कि इसके बाद अनु चुप रहती है या फिर कोई और हरकत करने की उसकी हिम्मत होती है।